24 hour clock. Read the clock and write the time in both 12 hours and 24 hour notation. सबसे पहले हम देखते हैं 12 hours. 12 hours के हिसाब से हमारी यहाँ टाइमिंग क्या हो रही है, 7 और 8 के मिड में है, तो यानी 7 o'clock. तो 7 तो ये रहा, और यहाँ से जब यहाँ तक आए तो ये 6 तक क्या होता है, जो भी नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, जो भी नंबर है. यानी अगर ये 1 है तो 1 5 ज़ार 5. इसी तरह अगर ये 6 है तो क्या हो जाएगा, 6 5 ज़ार 30. 6 5 ज़ार 30. 30 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 तक जा रहा है ना, 32. 7 32. और 24 आवर्स में देखेंगे तो भी ये 7 32 ही है. क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए AM लिखा हुआ है, सुबह की टाइमिंग हो रही है, तो सुबह तो 7 o'clock ही होते हैं ना, 7 32 हो रहा है. इसी तरह इसमें आइए, ये आपके पास 12 hours के हिसाब से देखते हैं क्या है, 5 5 PM. इस PM से अंदाज़ा हो गया ये बात हो रही है शाम की. अब अगर शाम के 5 बज रहे हैं तो 24 hours में क्या कहेंगे, 12 के बाद 13 14 15 16 17 17 5. और यहाँ पे AM PM नहीं लगेगा क्योंकि 24 hours की बात हो रही है. इसमें आ जाए, ये 10 मौजूद है, 10 पहले 10 o'clock हुए थे, उसके बाद जब आगे टाइम एक्सटेंड हुआ तो 10, और ये एक आपका ये देखें, ये 10 से एक आपका जो है डेसिमल पीछे है. तो ये समझ लें कि अगर आपका इससे पीछे एक नंबर पीछे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 10 से पहले क्या आ रहा है, 9. यानी इसको हम क्या कहेंगे, 10 9. और बात किसकी हो रही है, PM. PM का मतलब है ये रात के बज रहे हैं, रात के 10 9 बज रहे हैं. तो जब 24 hours में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. ये रहा 22 एंड 9. अच्छा, अब नेक्स्ट क्लॉक की तरफ आते हैं. यहाँ पे क्या है, 4 और 5 के मिड में, इसका मतलब 4 आएगा, 5 नहीं आएगा. 4 मौजूद है और कहाँ तक जा रही है, ये 10 है. और मैंने आपसे क्या बताया कि जब भी आप जिस भी नंबर को चूज़ करेंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 5 ज़ार 50. 50 में हम 2 ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये 50 और 2 ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा, 4 52. और बात किसकी हो रही है, PM. PM का मतलब है कि ये शाम के बज रहे हैं, शाम के 4:52, 4:52. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो किस में आ जाएगा हमारे पास, 12 13 14 15 16, यानी 16 52. अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं. यहाँ पे हमारे पास है 1 1 और 2 के मिड में, तो यानी ये 1 o'clock ही होगा, ये रहा 1, और ये 10 कहलाएगा, और एक पॉइंट हम आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 1 11 1 11 तो हो गया. अब यहाँ देखते हैं AM लिखा हुआ है, AM का क्या मतलब है, ये रात के बज रहे हैं 1:11 1 11. तो जब हम इसको 24 hours में देखेंगे तो 12 o'clock पे तो हमारा टाइम ओवर हो गया ना 24 hours, तो फिर वहाँ से क्या हो जाएगा टाइमिंग, यानी 1:11 हो रहा है, यानी 1:11. इसी तरह हम आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट वन है हमारे पास 7. ये एग्जैक्ट क्या है, 7 o'clock. 7 लिख दिया हमने, और यहाँ क्या है, PM. PM का मतलब है शाम के 7 बज रहे हैं, तो शाम के 7 बजे को क्या कहेंगे, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19. ये रहा 19. अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्लॉक की तरफ आते हैं, 12 hours के हिसाब से देखते हैं, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, अभी 10 o'clock नहीं बजे हैं, यानी 5 minutes रिमेनिंग है, अभी हो रहा है 9. और यहाँ पे अभी हमें नहीं मालूम कि भाई 11 की जगह क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 5. अब देखें 11 5 ज़ार 55, यानी 9 55 हो रहे हैं. और बात कब की हो रही है, सुबह की.
ए एम, इसका मतलब है 9 ही आएगा। अगर रात की बात हो रही होती तो हम यहाँ से फिर 13, 14, 15 इस तरह कैलकुलेट करते जाते। नेक्स्ट क्लॉक में सबसे पहले हमारे पास 2 और 3 के मिड में है हमारा शॉर्ट हैंड, तो हम 2 लिखेंगे, ये 2 हो गया। और जब यहाँ से यहाँ इन दोनों के मिड में बात हो रही है तो ये क्या है, 35, 36, 37, 38, यहाँ क्या हो जाएगा, 38। अब अगर आप भूल जाते हैं, आपको नहीं याद आ रहा है कि यहाँ कौन सा नंबर है, तो आप क्या करेंगे, 7 × 5, 7 × 5 = 35, 35 हो गया। 35 में हम 3 पॉइंट्स नेक्स्ट वन जाएंगे तो क्या आएंगे, 35, 36, 37, 38, तो क्या हो जाएगा, 2:38। क्या है ये, PM। जब PM की बात हो रही है तो इसका मतलब है दोपहर का टाइम है, तो दोपहर के 2 बजे क्या होते हैं, 12, 13, 14, यानी 12, 13, 14, तो यहाँ पे 14:38। इसी तरह 12 आवर्स के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ये हमारे पास 11 और 12 दोनों के मिड में है, तो क्या होगा, 11 और ये है 50, 11:50, ये 55 नहीं है, 50 है। ओके, कैसे पता चला, ये 10 मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय 5 करना, 10 × 5 = 50 होगा। ओके, अच्छा अब हम आते हैं यहाँ पे ए एम या पी एम। ए एम मीन कब की टाइमिंग हो रही है, सुबह की, तो सुबह के क्या होते हैं, सुबह के 11 ही बजते हैं, यानी 11:50। अच्छा अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, 6, तो 6 तो अपनी जगह रहा, और ये 3 पे जिस वक्त हमारा लॉन्ग हैंड है, लॉन्ग हैंड 3 पे है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कीजिए, 3 × 5 = 15, ये रहा 15। 6:15 PM, PM मीन शाम का टाइम, तो इसका मतलब है 12, 13, 14, 15, 16 और 17 और ये आ गया 18, यानी 18:15। नेक्स्ट पे आते हैं, 8 और 9 के मिड है, तो ये रहा 8 और ये आ रहा है 7 पे, लॉन्ग हैंड 7 पे है, तो 7 × 5 = 35, यानी 8:35। बात हो रही है AM की, तो सुबह के 8:35 ही हो रहे हैं। यहाँ पे आ जाएं, अगर हम 12 आवर्स के हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4। आप देखें अभी 4 o'clock नहीं हुए, क्योंकि अभी पूरी 4 को क्रॉस नहीं की है आपको शॉर्ट हैंड। क्या करेंगे, 3 और 4 के मिनट में, तो ये तो आ गया 3 और यहाँ है 9, 9 मीन 9 × 5 = 45, 45 एक पॉइंट आ गया, तो 45 में प्लस 1, 46, 3, 46। बात हो रही है PM की, PM मीन यानी शाम के, तो यहाँ से कैलकुलेट करें, 12, 13, 14, 15, 15, 46।